नमस्कार पीआरडी जवानों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने चैनल पर। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे वीडियो के कमेंट्स आ रहे थे कि दोस्तों पीआरडी विभाग से खबर नहीं आ रही, तो दोस्तों इस वीडियो में आपको मिलेगी पीआरडी विभाग से जरूरी अपडेट्स और इस तरह की फ्रॉड न्यूज़ से आप बचकर जरूर रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं एक अपडेट्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पर पीआरडी मानदेय कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जो यहाँ पर डेट आप देख सकते हो, यहाँ पर दे रखी है 18 सितंबर 2021 और ये डेट एडिट करके यहाँ पर लिखी गई है। पत्र बहुत पुराना है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर डेट लिखी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या दे रखा था। तो यहाँ पर पुलिस के समान सुविधाएं, ड्यूटी भत्ता और इसके अलावा पीआरडी जवानों को नियमित कर्मचारी, साथ ही दोस्तों पूर्व की भांति आईपीएस अधिकारी नियुक्त कर पीआरडी जवानों की युवा कल्याण से अलग कराए जाने की मांग को लेकर यह पत्र जारी किया गया था। और इस तरह की फ्रॉड की अपडेट से आप बचकर रहिएगा दोस्तों। यह पत्र पहले जारी किया गया था और इसमें दोस्तों यहां पर डेट एडिट करके आपको बताया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।